सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी की आजादी का सम्मान हमारी हर कार्यक्रम में परिपाटी है कि माननीय कन्या वंदन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और कन्या पूजन कन्या वंदन के साथ इस कार्यक्रम का आज आगाज हो रहा है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम सुबह की उजली रोशनी, शाम की शीतल हवा और कड़कती सर्दी की गुनगुनाती धूप, जिंदगी के हर पन्ने का सुखद संस्करण ये बेटियाँ और इन बेटियों इन लाड़ियों की वंदना से आज का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये बालिकाएं कह रही हैं, मैं बालिका हूँ, आधुनिक जमाने की बालिका हूँ, जो प्रदेश के परिवर्तन के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में शक्तिवान, सशक्त और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहते हैं ना, बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका। मैं सशक्त बालिका हूँ, मैं शक्तिवान हूँ और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भी यह है कि प्रदेश की सारी लाड़ियाँ इस बात को महसूस कर सकें और इस बात को समझ सकें कि वो जितना आगे बढ़ेंगी मध्य प्रदेश उनके साथ है। बेटियों की भविष्य की चिंता करते हुए उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करते हुए मध्य प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रेरणा ज्योति जलाई है, जिसकी मिसाल सारे भारत के लिए एक प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ है। इस प्रेरणा ज्योति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सभी बेटियों को, सभी अभिभावकों को ये संदेश दे रहे हैं, बहनों को ये संदेश दे रहे हैं कि तम में, अंधेरे में प्रकाश की तरह, कठिन वक्त में मैं तुम्हारी आस की तरह और हर वक्त मैं तुम्हारे पास हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम उनका कठपुतली से स्वागत करेंगे। बच्चों अपने मामा का स्वागत करें। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम, उज्जवल, समृद्ध और सुरक्षित बनाने वाले और प्रदेश को शीर्ष तक पहुंचाने वाले, अपने सपने को यथार्थ में बदलने की सोच के साथ जीने वाले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का हम विभाग की तरफ से और ये सारी लाड़ियां आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। स्वागत की श्रृंखला में मैं अनुरोध करती हूं महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।